की बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। सोनीपत में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। खानपुर पीजीआई के 3 डॉक्टर मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मरीजों के इलाज में लगे थे सभी डॉक्टर। और सोनीपत में आज 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सोनीपत में कोरोना का कहर साफ तौर से देखने को मिल रहा है और खानपुर पीजीआई के 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लाजपत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, बताइए डिटेल्स, 20 लोग एक दिन में, बहुत ज्यादा स्थिति खराब नजर आ रही है सोनीपत में। जी बिल्कुल, सोनीपत में लगातार जैसे आज के ही ताजा मामले जो सामने आए, वो 17 का जो आंकड़ा जो सुबह बढ़ा था, अब 3 का आंकड़ा और बढ़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा जिला जो आज दहशत में हो चुका है, इसको लेकर काफी चिंता का विषय है। लगातार जो मरीज भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोनीपत को रेड जोन में भी कर दिया गया है। लेकिन अब जो लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो काफी चिंता का विषय है। आसपास का एरिया काफी दहशत में बन चुका है। ऐसे में जो हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों से गैप बनाए और लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए, एक दूसरे परिवार से दूरी बनाए, ताकि इस बीमारी पर जो बता जा सके और इस पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, ताकि एक दूसरे से दूरी बने तो इस बीमारी से बचा जाए। लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत में जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो ज्यादातर जो मरीज है वो दिल्ली की देन है, और दिल्ली की देन की वजह से जिला सोनीपत आज पूरी तरीके से दहशत में है। जी गौरव, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अब किस तरह से हैं? ये एक साथ 20 नए मरीजों का आना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी, काफी बड़ी चुनौती है। लगातार जो उनकी तैयारी है वो पूर्ण तरीके से है। और यहाँ पर बात करें तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के सामने जो आंकड़े आ रहे थे, आज उसमें डॉक्टर भी चपेट में आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी बड़ा दहशत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के जो पेशेंट उनकी देखरेख के लिए हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं डर बन चुका है, दहशत बन चुकी है। उनके जो परिवार हैं उनको भी जो ध्यान रखना जाना चाहिए, ताकि ये बीमारी बड़ा रूप ना ले। इस तरह के जो काफी जो चिंता का विषय है, जिला सोनीपत का पूर्ण तरीके से दहशत में। जी ठीक है। डॉक्टर्स का पॉजिटिव होना अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है। क्या पीपी किट्स या जो बाकी सुरक्षा के उपकरण जरूरी हैं, वो वहां उपलब्ध हैं या नहीं है? जी बिल्कुल उपलब्ध हैं, पूरी किट उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसे में जो चपेट में आना, ये एक जो डॉक्टर चपेट में आना, ये एक चिंता का विषय है। और जब डॉक्टर ही चपेट में, कोरोना की चपेट में आने लग गए, तो सुरक्षा जनता की कैसे होगी, ये एक चिंता का विषय है। और सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, और इसमें सरकार की भी सहयोग करें और इसमें जनता की भी सहयोग करें, क्योंकि अगर ये बीमारी और भी बड़ा रूप लेगी तो लोगों की सेहत पर भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा, जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये बीमारी इतनी बड़ी है, महामारी की बीमारी है। और लगातार जो इस तरह की जो चपेट में आना कोई मामूली बात नहीं है। गौरव, हम हरियाणा न्यूज की तरफ से लोगों को, जो हमारे हरियाणा न्यूज के चहेते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप एक दूसरे परिवार से संबंध दूरी बनाएं और अपना सेहत का ध्यान रखें। बाहर का जो खाना है वो ना खाएं, अपने घर का स्वस्थ खाना बनाएं और घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। यह अपील हरियाणा न्यूज की तरफ से की जा रही है। जी सर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत इन तमाम जानकारियों के लिए।